आदरणीय निर्देशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, समस्त निर्णायक मंडली, समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकागण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं ईशा कक्षा 11वीं की विद्यार्थी आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो लिखा गया है श्रीमान गुलजार के द्वारा। गुलजार जो एक भारतीय उर्दू कवि, गीतकार, लेखक, पटकथा एवं फिल्म निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें इस युग के महानतम कवियों में से एक माना गया है। इन्हें 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी तथा 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो आइए इनके द्वारा संरचित कविता को मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है आहिस्ता चल जिंदगी। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से ऐ जिंदगी, रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कई फर्ज निभाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम भी और जरूरी है। ख्वाहिशें जो घुट गई इस दिल में, ख्वाहिशें जो घुट गई इस दिल में, उनको दफनाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कई फर्ज निभाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। उन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कई फर्ज निभाना बाकी है। तू आगे चल, तू आगे चल, मैं आता हूँ, क्या छोड़ तुझे जी पाऊंगा। तू आगे चल, मैं आता हूँ, क्या छोड़ तुझे जी पाऊंगा। इन सांसों पर हक है जिनका, इन सांसों पर हक है जिनका, उनको समझाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कई फर्ज निभाना बाकी है। धन्यवाद।